हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम चैनल लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो ये सैटरडे की क्लिप, तो ये है दोपहर का समय, तो मैं जा रही थी लंच करने, तो मैंने लंच में बनाया है आलू और सोया पड़ी की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बना था। और इधर मैंने बनाया राइस, तो मैं अपने लिए खाना निकालने आई थी, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया है। तो मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों से नहीं शेयर की, लेकिन बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और मैंने इसके आगे फिर मैंने नेक्स्ट डे संडे की क्लिप मैंने शेयर की है। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ आज कद्दू की सब्ज़ी। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने तेल में मेथी दाना का तड़का दिया है, तेल गर्म हो गया था, तो ये सरसों का तेल है। फिर उसके बाद फिर मैं इसमें हींग डालूंगी, तो ये अच्छे से चटक गया है मेथी दाना। तो उसके बाद मैं इसमें हींग डालूंगी, अनियन डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी। तो आज मैं मसाले वाला कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मेथी दाना का तड़का दिया है, कुछ हींग डाला है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बारीक बारीक अनियन कटती हूँ, तो जब तक इधर अनियन हो रहा है तब तक मैं ये कद्दू जो है कट कर लेती हूँ। ये धनिया पाउडर और मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दिया था। सब्जी मसाला भी डाल दिया है, तो भी भून दिया है, भून गया है। अब मैंने जो कद्दू कट किया उसको भी डाल दे रही हूँ। ये है हल्दी पाउडर और ये है नमक। तो इसको चला लेते हैं। तो ढक के रख देते हैं। तो सब्जी हमारी जो बन के रेडी हुई है, ये क्या हुआ, जो इसके बीज दिख रहे हैं आपको कद्दू के, तो ये बहुत सॉफ्ट थे, तो मैंने इसको नहीं निकाला, क्योंकि अगर जो सॉफ्ट होते हैं कद्दू के बीज, अब उसको मतलब ऐसे ना निकाले से डाल के बनाया, तो कद्दू के बीज जो बहुत अच्छे लगते हैं। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, इसीलिए मैं जब सॉफ्ट होते हैं बीज तो मैं नहीं निकालती हूँ कद्दू के। और जो हाँ मतलब थोड़े ऐसे लगते हैं, कड़े हैं, हार्ड हैं, तो मैं उसको निकाल देती हूँ। लेकिन बहुत सॉफ्ट थे तो मैंने नहीं निकाला है। तो ये फाइनली हमारी कद्दू की सब्जी बन के रेडी हुई है और मैंने इधर बनाए हैं। यहाँ पे अपनी थाली लगा ले रही हूँ कद्दू की सब्जी की। और ये देखिए, और हाँ अगर आपके पास मतलब क्या हो, अमचूर पाउडर हो या जो सूखी खटाई होती है आप इस कद्दू में डाल के बनाएं, तो खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगता है। पर हमारे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो मैंने यहाँ पे सब्जी निकाल लिया है और मैंने इधर बनाए हैं पराठे, तो मैं यहाँ पे पराठे भी निकाल ले रही हूँ। तो ये कद्दू की सब्जी के साथ मतलब पराठे हो, पूड़ी हो, तो फिर क्या कहना, बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं फिर ब्रेकफास्ट में कद्दू की सब्जी और पराठे खाते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कच्चे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।